ओके गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे। एंड अभी हम लोग रेडी हैं निकलने के लिए। यस, आज है जैसे का बर्थडे और उसके लिए हम लोग कर रहे हैं पूरा सरप्राइज की तैयारी। तो अभी उससे पता नहीं है, हमने बताया कि हम जा रहे हैं चाचा जी के यहाँ, जो कि कल तिलक है, कल भी हमें जाना है। हमने कहा कि आज हम जा रहे हैं वहाँ का देखने के लिए, चाचा जी ने बुलाए हैं, तो ये बोलकर हम लोग निकल रहे हैं घर से, नहीं तो वो भी हमारे साथ ही जाती। और मैं, प्रिया और जया, हम तीनों ही लोग जा रहे हैं। सारा कुछ रख लिया, जाना है, डेकोरेशन करना है, केक वहाँ पर ले जाकर छोड़ना है, एंड देन फिर हमें घर वापस आना है। सो अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हुए पहले निकलते हैं, देन फिर मिलते हैं रास्ते में। बस अब हम निकलने ही वाले हैं, बस वेट कर रहे हैं जया का। आपको पता है जया हमेशा लेट करती है, हम लोग जल्दी आधे घंटे से हम लोग तैयार होकर बैठे हैं और जया को पिछले 45 मिनट से वेट कर रहे हैं उसके। बहुत टाइम लगता है जया को आने में। अभी वो रेडी होकर आई है, फिर वो शूज़ ढूंढेगी, फिर उसको पहनने में 1 घंटा लगाएगी, फिर हम लोग 1.5 घंटे में पहुँचेंगे। मतलब जल्दी कर लेना चाहिए ना यार, आप ही लोग बोलिएगा। इस बार आप ही लोग बोलिएगा क्योंकि थोड़ा जया जल्दी रेडी हो जाया करो। सो बस वो आ जाए एंड उसके बाद हम निकलते हैं। एंड इस ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि हम सारी कुछ तैयारी जो भी वहाँ होगी एंड ढेर सारा फन करेंगे, वो भी आपको दिखाते जाएंगे। क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, हमें फास्टली सारा कुछ करना है एंड केक भी जगह से लेकर पहले हम लोग चलते हैं, केक लेते हैं। लेते हुए चलेंगे, वही फ्रिज में रख पाएंगे एंड फिर सारा कुछ वहीं सारा कुछ करेंगे एंड रेडी करके और वापस। ओके, तो यहाँ आकर के फटाफट हम लोग रेडी होंगे एंड फिर जयश्री करेंगे। और जयश्री को बताया है कि हम जा रहे हैं कहाँ, चाचा जी के यहाँ। और शाम को उसको बताएं कि जाना है, प्रिया की फ्रेंड की वेडिंग है आज, एक्चुअल में है आज ऋतु है। हाँ, तो उसकी शादी में जाना है ऐसा उसको बताया है, अभी उसको पता नहीं है। हम शादी में नहीं जा रहे, आ गई जय फाइनली 200 साल बाद हम लोग 200 साल बाद आ गई जय। ओह माय गॉड, क्या क्या बता के रखे हैं आप। जल्दी बैठो। नहीं, मैं ये बोल रहा था कि जया जल्दी रेडी हो जाती है ना। हम लोग मार्केट पहुंच चुके हैं। सबसे पहले हम जा रहे हैं केक लेने के लिए, तो बस शॉप में पहुंचते हैं, केक उठाते हैं एंड फिर सीधा रेस्टोरेंट चलते हैं। तो हम लोग पहुंच गए हैं शॉप में, चलिए चलते हैं अंदर। वाओ, यम्मी यम्मी केक्स। हेलो, थैंक यू, बट मैं छोटा हूं। हां, केक रेडी है। क्या बात है, अभी जब हम लोगों ने जेस्ट को केक कट कराया था घर पे थोड़ी 2-3 दिन पहले, तो ये वाले थे। एंड यहाँ का कलेक्शन तो लाजवाब रहता है, देखिए कितने प्यारे प्यारे केक्स है ना। वाओ भैया, आज के केक तो मतलब माइंड ब्लोइंग है, सारे के सारे बहुत अच्छे अच्छे केक है यार। बहुत प्यारे प्यारे केक है। हाँ, सारी डिजाइन है, बहुत प्यारी है, यूनिक डिजाइन है ना। और ये वाला देखो कितना प्यारा लग रहा है। और गाइस ये वाला देखिए, वाओ ना, सारे बहुत अच्छा कलेक्शन है। हाँ, केक भी पैक हो चुका है जिसको मैं दिखाऊंगी शाम को। फाइनली हमने केक ले लिया एंड बस अब हम सीधा पहुंचते हैं रेस्टोरेंट में, बहुत मजा आने वाला है। सो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कहां, जहाँ हमें आना है शाम को। यहाँ पर हम आकर करेंगे डेकोरेशन। ये वही प्लेस है जो कि मेरे बर्थडे का था, मुझे सरप्राइज दिया गया था एल्बर्ट। आज आप खुद आए हैं साथ में? आज मैं खुद ही आया हूँ। हाँ भैया, यहाँ का सबसे बड़ा इशू पता है क्या, यहाँ जो भी लिफ्ट खोलता है वो बंद के बाद उसका गेट ही नहीं लगाता है और नीचे वाला परेशान होते रह जाता है। केक लिटरली बहुत अच्छा बना है, बहुत शानदार बना है।
अभी तो उसका रिएक्शन ऐसा था कि गुस्सा थी थोड़ा। सो अभी हम लोग आ चुके हैं टॉप पे। सबसे पहले तो आप केक रखवा दीजिए। हमें करना है यहाँ पर सारा कुछ, मतलब अभी आप इसे देख लीजिए, फिर आफ्टर डेकोरेशन आपको पता लगेगा कि यहाँ का क्या कुछ चेंज हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है अभी, मतलब नो डेकोरेशन एंड डिनर का हम रखेंगे वहाँ पे इस बार, तो वहाँ भी थोड़ा बहुत कर लेंगे। एंड सबसे पहले तो हमें इस जगह को बहुत सुंदर बनाना है एंड हमारे थीम के अकॉर्डिंग करना है, तो पहले कर लेते हैं देन फाइनल व्यू दिखाते हैं आपको कि कैसा लग रहा है। क्या हुआ? एंड बहुत अच्छा लगता है रात में जब सब ये सारी लाइटिंग्स वगैरह ऑन हो जाती हैं, सारा कुछ हो जाता है। एंड ये पूरा अभी हम लोगों ने बुक करके रखा हुआ है। ये है हमारा सामान जिससे हमें डेकोरेशन करना है। तो हमने 4 टाइप्स ऑफ बलून्स लिए, मतलब 4 कलर्स हैं हमारे बलून्स के। एंड ये है कुछ लॉन्ग वाले बलून्स हैं एंड इन सभी से ही हमें फाइनल डेकोरेशन करना है। तो पहले हम कर लेते हैं जिसमें ये स्टार्ट कर चुके हैं एंड इनने अभी हैप्पी बर्थडे का टैग लगाया है, बस लगाने वाले हैं आई थिंक। हाँ बस वो करते हैं। चलिए मैं आधा कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ। सो गाइस अभी कुछ कलर्स हो चुके हैं एंड मैंने अभी जो कंप्लीट किया है वो है ये वाले स्टार्स, जिस जो दो हैं हमने अभी, थोड़ा बाकी है थोड़ा और हो गया? हाँ थोड़ा सा है अभी, वैसे हो गया, बस इतना ही फुलाइए, बस कीजिए बस बस बस। इतना भी नहीं फुला तो कितने कितने फुलाना है? इसको रैंडम फुलाने जो है ये बलून्स भाग नहीं इधर उधर। अच्छा ये तो ऑलमोस्ट हमारा डेकोरेशन कंप्लीट हो ही गया है। नहीं हुआ है, बलून्स हो गए हैं, बन रहे हैं, अभी तो लगाना बाकी है। ओके कितना अच्छा लग रहा है यार, वाओ अच्छा लग रहा है ना। मस्त अच्छा लग जिसका बर्थडे है। लगेगा क्या लगेगा? अच्छा लगेगा हाँ श्योर श्योर। जब अच्छा कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट सारे ही हो गए ना। हाँ बस ये अभी कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा हमें, क्योंकि हमने बहुत सोच के समझ के बहुत अच्छा लग रहा है यार कलर कॉम्बिनेशन मस्त। जैसे सोच रही हो कि आज ये लोग आएंगे नहीं लगता है। इसको बता कर गए कि हम जा रहे हैं चाचा जी के यहाँ, तैयारी तो कर रहे हैं। चाची जी हमारा व्लॉग देख रही होंगे तो बोलेंगे कि वाह बेटा नाम लगा दिया तेरे आजकल बर्थडे छाया रहा है शादी के बाद ऐसा फर्स्ट टाइम। अरे रुको रुको हमारी शादी के बाद ही हमारे घर की पहली शादी है, तो हम भी काफी वाला है उसमें, हम भी काफी एक्साइटेड हम सब काफी एक्साइटेड है। एंड इस बीच में आप लोगों के लिए सरप्राइज भी है, जो कि जयश्री का बहुत ही शानदार चीज़ है, वो हम बताएंगे उसी दिन। उसी दिन किस दिन? वाओ सो ब्यूटीफुल, कितना प्यारा लग रहा है, बहुत सुंदर बहुत। Just like me, it's a good thing. Another night ruined, I don't even know when we're.
came this way. Now you're acting so different than when back when we had it easy. And now you don't believe me when I say I'll change. But how can I lose you now? Whoa. इस करते करते हमें डेकोरेशन शाम होने को आ गई है एंड डेकोरेशन ऑलमोस्ट मतलब बैकग्राउंड तो हमारा कंप्लीट हो चुका है बिकॉज यहाँ जेस्ट्री खड़ी होगी तो इतना सब कुछ दिखेगा तो बहुत अच्छा लगेगा. बस यहाँ पे फोकस लाइट लगना बाकी है जो कि हमने भैया को बुलाया वो बस लेकर ही आ रहा है. एंड इधर भी ऐसा कुछ अभी व्यू आ रहा है. रात में बहुत अच्छा फील होने वाला है इतना तो मुझे पता है. रात में बहुत अच्छा लगेगा एंड जेस्ट्री बहुत खुश होगी. बस अभी थोड़ी लाइटिंग और हो जाए देन उसके बाद बहुत अच्छा लगेगा. गाइस ऑलमोस्ट डन हो चुका है हमारा डेकोरेशन. ये सेंटर टेबल है जहाँ जैसे केक कट करेगी एंड केक जो है हमारा वो भी हमारे थीम के अकॉर्डिंग ही है. वो भी आपको बहुत पसंद आएगा मैं दिखाऊंगी. और डेकोरेशन कंप्लीट हो चुका है एंड बहुत अच्छा लुक आ रहा है. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. और रात जब थोड़ी और रात हो जाएगी ना अंधेरा हो जाएगा तो बहुत अच्छा लगने वाला है. एंड एक हमने एक्स्ट्रा लाइट भी कर ली है जिसका फिर भी मैं दिखा देती हूँ आपको. ऐसा लाइट लगा दिखाने पे कुछ मतलब फोकस हो जाएगा वहाँ पे तो हम फोटोज़ एंड रील्स वगैरह एंड वीडियोज़ अपनी अच्छे से बना सकते हैं. एंड ऐसे भी बहुत अच्छा लग रहा है. और डिनर वगैरह का यहाँ हम लोगों ने थोड़ा सा अभी बोला है भैया को सिस्टमेटिक करने के लिए. पूरा ये लाइन से लग जाएगा सिस्टमेटिक लगेगा एंड बहुत अच्छा लगेगा. एंड आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. एंड प्लीज़ इस ब्लॉग को ढेर सारे लाइक्स दीजिएगा. एंड नेक्स्ट वाला जो ब्लॉग आने वाला है ना उसे देखना तो बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि उसकी तो बात ही अलग होनी है. एंड मैं दिखाऊंगी आपको कि जेस्ट्री क्या वेयर करें एंड पूरा सेलिब्रेशन ही रहेगा उसमें. तो बस अब हम लोग घर निकलते हैं. डेकोरेशन कंप्लीट हो चुका है एंड कैसा लग रहा है प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा. एंड अभी ऑलमोस्ट रात ही होने वाली है. कितने बजे हम लोग घर से चले थे? 3 बजे के आसपास. सच में. एंड अभी टाइम हो रहा है 5:33 हो रहे हैं. यस 5:33. अब हम लोग को बस जल्दी से पहुंचना है रेडी होना है और फिर सबको रेडी करना है लेकर आना है क्योंकि हम लोगों की हालत जो है वो बहुत बेकार होती है. लेकिन इस जो ये जो हमारा शौक़ है यार क्या मस्त दिख रहा है ना कैमरे में. ये जो हमारा शौक़ है ना इसको हम आगे लेकर जाएंगे. आप लोग कमेंट कीजिएगा. बहुत जल्दी हम अपना एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ओपन करने वाले हैं. आप लोगों को सपोर्ट मिलने हाँ. और बस अभी हम लोग घर सबसे पहले घर निकलते हैं एंड आते हैं रेडी होकर के एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. तो इस वाले व्लॉग को आपको ढेर सारे लाइक करने हैं और बहुत सारा शेयर करना है सब जगह फैला दीजिए गाइस. एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जिन लोगों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि जब अब नेक्स्ट वाले सारे व्लॉग्स आए उनकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए. एंड बस अब हम जाते हैं भैया को बोलते हैं इसको अरेंज करवा देंगे एंड बहुत अच्छा लगने वाला है. तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. बाय 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 बाय.